सुमन की किचन में आपका स्वागत है। आज हम मूंग दाल की मसाला वाली कचौड़ी बनाएंगे। ये मैंने मूंग दाल ली हूँ, इसको मैंने रात को भिगो दिया था, इसको मैंने अच्छे से धुल लिया है। अब इसको हम मिक्सी के ग्राइंडर में डाल के पीस लेंगे। ये मैंने मिक्सी के ग्राइंडर लिया हुआ है, अब इसमें हम ये दाल डाल देंगे। पूरी दाल मैंने मिक्सी के ग्राइंडर में डाल दिया। अब इसमें हम अदरक लहसुन मिर्ची ये भी इसी में हम डाल देंगे। ढक्कन बंद करके हम इसे अच्छे से पीस लेंगे। दाल को मैंने अच्छे से पीस लिया है, ये देखिए इस तरह से हमें दाल को पीसना है। अब हम दाल को एक परात में निकाल लेंगे। दाल को मैंने परात में निकाल लिया है। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच अजवाइन। अजवाइन को हम इस तरह से क्रश कर लेंगे। थोड़ी सी इसमें हम हींग डाल देंगे। एक चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे, नमक आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी मसालों को दाल में अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें गेहूं का आटा डालेंगे। आटे को हम अच्छे से मिक्स करेंगे दाल में। हम इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे, ये दाल में ही आटा गूंथकर तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा हम हाथों में तेल लगा लेंगे इस तरह से, और आटे को अच्छे से गूंथ लेंगे। आटा गूंथकर तैयार हो गया है कचौड़ी का। अब इसको हम 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। आटा को रखे हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हल्का सा इस तरह से चिकना कर देंगे। आटे को मैंने चिकना कर लिया है। अब इसकी हम छोटी छोटी सी लोइयां बनाएंगे। हाथों में मैंने थोड़ा सा तेल लगा लिया है। इस तरह से हम छोटी छोटी सी लोइयां बना के तैयार कर लेंगे ऐसे। इस तरह से हम सभी लोइयां बना के तैयार कर लेंगे। सभी लोइयां मैंने बना के तैयार कर ली हैं। अब हम पूड़ियों को बेलेंगे। इधर मैंने कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया है। पूड़ी में इस तरह से हम थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। ऐसे ही हम दूसरी पूड़ी बेलेंगे। ये मैंने 3 पूड़ियाँ बेल ली हैं। इधर तेल भी अच्छे से गरम हो गया है। अब हम पूड़ियों को तलेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी सी पूड़ियाँ फूल रही हैं। ये पूड़ियाँ अच्छे से सिक चुकी हैं, इनको हम निकाल लेंगे। ये मैंने सारी पूड़ियाँ निकाल लेंगे ऐसे ही हम सारी पूड़ियाँ बना लेंगे। ये देखिए सभी पूड़ियाँ कितने अच्छे से फूल रही हैं। इस तरह से क्रिस्पी क्रिस्पी सेकनी है पूड़ियाँ। मूंग की दाल की मसाला पूड़ी बनकर तैयार हो गई। देखिए कितनी अच्छी लग रही है। ये देखिए इसी तरह से आप भी मूंग दाल की मसाला पूड़ी बना के तैयार कीजिए। ये चाय के साथ, सब्जी के साथ, किसी के साथ भी खाइए। ये बहुत टेस्टी लगती है। आप कहीं सफ़र में जा रहे हैं तो इस तरह से बना के
ले जा सकते हैं। प्लीज़ मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए।